क्वेश्चन नंबर 19, दो के प्रथम पांच गुणज का माध्य ज्ञात कीजिए। गुणज का मतलब होता है गुणा, दो का टेबल, दो का पहाड़। तो देखो प्रथम पांच मतलब दो, चार, छ, आठ और ये हो गए दो के प्रथम पांच गुणज। अब इनका क्या करना है, अपने को माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग या सभी प्रेक्षणों का योग बटे में होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग का मतलब इन सभी का योग, दो प्लस चार प्लस छ प्लस आठ प्लस दस बटे सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग हो गया सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो नीचे कितना जाएगा, पांच, क्योंकि ये संख्या कितनी है, पांच, एक दो तीन चार पांच। आगे आगे देखो, ये चार और छह दस हो गया, और ये दस बीस हो गया, और ये दोनों मिलकर दस तीस हो गया, मतलब तीस बटे पांच जाएगा, और तीस बटे पांच का मतलब क्या होगा, छह, काट देंगे पांच से तीस को तो छह है। ठीक, तो माध्य कितना आ गया हमारा, माध्य एक्स बार का मान कितना आ गया, छह, लिख देते हैं एक्स बार बराबर। इसी प्रकार क्वेश्चन अपन 20 नंबर का देखें, तो विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब है होता है जो जो प्रेक्षण सबसे अधिक बार आए। तो अधिक बार देखें तो कौन आया, नाइन, देखें एक दो तीन चार बार आया है कौन, नौ, मतलब प्रेक्षण प्रेक्षण नौ सबसे अधिक अधिक बार आया है, अतः बहुलक, अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, ठीक, ये बहुलक का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, यदि कक्षा 9 के एक विद्यार्थी के पांच विषय के प्राप्त अंकों का योग 50 है तो माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य माध्य x बार, माध्य x बार बराबर क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग। तो इन्होंने आंकड़ों का योग तो दे दिया, पांच विषय के प्राप्त अंकों का योग, मतलब ऊपर वाले का मान कितना जाएगा, 50, और कितने विषय के देके रखे हैं, पांच, तो पांच की जगह जाएगा नीचे, तो माध्य x बार बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, तीन चार सात एक छ तीन तीन का माध्यक तथा बहुलक बहुलक ज्ञात। है ना, इनका माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करना। तो आइए करते हैं, पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए अपने को पता है प्रेक्षण को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले अपन प्रेक्षण को लिख लेते हैं। प्रेक्षण कौन कौन से अपने पास है, तीन है, एक चार है, एक सात है, एक एक है, एक छह है, एक तीन है और एक तीन है। इन आंकड़ों को या इन प्रेक्षणों को आरोही आरोही क्रम में लिखने पर, इन प्रेक्षणों को अपन आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो एक, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर चार, फिर छह, फिर सात, हुआ आरोही क्रम।
अब देखो एन का मान निकालते हैं तो एन बराबर क्या आएगा, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात आया। एन क्या आया, एक विषम संख्या आई, तो माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, एन बाय टू, एन प्लस वन बाय टू वे प्रेक्षण का मान। तो देखो एन का मान कितना है सात, तो सात प्लस वन बाय टू वे प्रेक्षण का मान, सो करेंगे तो कितना हो जाएगा आठ बटे दो। तो ये कितना एन का मान अपन ने रखा कितना, सात प्लस एक बटे दो आठवें प्रेक्षण का मान, आठवें नंबर मतलब इसको करने का आठ बटे दो वे प्रेक्षण का मान, मतलब चारवें प्रेक्षण का मान, इसका मतलब है इन प्रेक्षणों में चौथे नंबर पे जो आया वन टू थ्री फोर तीन है, तीन है प्रेक्षण, तीन सबसे अधिक बार आया, इस कारण बहुलक का मान कितना होगा तीन होगा। लिख लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला लिखा हुआ है यदि नौवीं कक्षा के किसी विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 72% आते हैं तो उसके छह विषयों का योगफल कितना होगा। इस बार क्या उसका देखे रखा है, उसका प्रतिशत कितना है 72, ये 72 देखे रखा। यहाँ पे आता है क्या विषयों का योग, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग, नीचे प्रेक्षणों की संख्या मतलब विषयों की संख्या कितनी है छह, अपने को क्या निकालना है विषयों का योगफल निकालना है। तो छह का इधर गुणा कर दो, छह दूनी 12, 642 और एक कितना हो जाएगा 43, तो 432 इसका आंसर हो जाएगा। 432 बराबर क्या हो जाएगा विषयों का योग। देखो अपन हर बार ये निकालते थे माध्य निकालते थे और सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या करते थे, इस बार उन्होंने माध्य देखे रखा है अपन ने विषय का योगफल बटे जो जितने भी विषय थे उनको नीचे लिख देते थे, गुणा कर दिया आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लो। ये वाला मिटा देता हूं तब तक। प्रश्न क्रमांक 24, 12 के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। 12 के गुणनखंडों का मान ज्ञात कीजिए। तो 12 के गुणनखंड का मतलब ये होगा कि 12 को कौन कौन सा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है वो उसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो लिखेंगे 12 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड कौन कौन से जाएंगे, पहला तो एक पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, फिर दो कर देगा, फिर तीन भी कर देगा, फिर चार भी कर देगा, पांच नहीं करेगा, फिर छह करेगा, सात भी नहीं करेगा, आठ भी नहीं करेगा, नौ भी नहीं करेगा, दस भी नहीं करेगा, ग्यारह भी नहीं करेगा और बारह कर देगा। मतलब टोटल 12 के कितने गुणनखंड होगा, एक दो तीन चार छह और 12, टोटल कितने होगा, एक दो तीन चार पांच छह हो टोटल, है ना। आगे चलते हैं, क्या क्या करना है अपने को, का मान नहीं माध्य का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य x बार बराबर क्या होता है पता है अपने को, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग मतलब वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय कितना प्रेक्षणों की संख्या, टोटल कितने प्रेक्षण है छह, देखते हैं कितना आता है। देखो दो और एक तीन और तीन छह चार दस, दस और छह सोलह, सोलह और छह छब्बीस, छब्बीस और दो अट्ठाईस, अट्ठाईस बटे छह, तो एक सौ बराबर कितना आ गया अट्ठाईस बटे छह, भाग दे दें इसको अट्ठाईस बटे छह को, तो छह पंच तीस ज्यादा चल जाएगा, छह चुको चौबीस, छह चुको चौबीस बचेंगे चार और छह छत्तीस, मतलब चार दशमलव छह इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक, 4.6 आगे ये 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा, तो 4.6 के ऊपर चाहो तो अपन 12 भी लगा सकते हैं ऐसा। ठीक है, देख लो फिर ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, तो क्या होता है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या लिख देते हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या की अगर अपन और बात करें तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या, मतलब टोटल कितने प्रेक्षण है, 5 प्रेक्षण है, जोड़ दो 2 3 3 6 4 10 5 15 / 5, मतलब कितना आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, माध्य x बार का मान कितना आ गया, 3 आ गया। लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 26, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए हैं और इनसे अपने को क्या बनाना है, बारंबार का बंटन सारणी बनाना है, तो ये इसका हल है। देखो रक्त समूह अपने पास गिनती के हैं, एक तो अपने पास ए है, एक बी है, एक इसी प्रकार ओ है और एक ए बी, केवल अपने पास इतने रक्त समूह दे के रखे हैं क्वेश्चन। ठीक, अब देखना ए वाले कितने हैं गिन लें, तो एक और ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5वें पे ये सब क्रॉस लग जाता है, देखो पता है बंडल बन जाता है 5 का। ठीक, अब देखना इसके बाद कितने हैं, मात्र 5 हो गए, फिर 1 ये 2 ये 3 और एक ये 4, मतलब ये 4 है, 1 2 3 4, तो ये कितने हुए, 5 ये 4 ये, टोटल कितने विद्यार्थियों के संख्या कितने हुए, बी वाले गिने तो 1 2 3, 3 के बाद 4 के बाद 5, ये कितने हुए, 5। ठीक, ओ वाले गिने तो 1 2 3 4, ये 5, 6 7, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और फिर ये 10 का एक बंडल बन जाएगा, फिर 1 और 1 2, तो टोटल कितने हुए, ये 5 5 10 और 2 12। आगे चलें, ए बी वाले गिन ले, 1 2 3, 3 है केवल, 1 2 3, ये 3 का। ठीक, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा, पूरे का योग करेंगे तो योग हो जाएगा कितना, 30, क्योंकि विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, 30। गिन के देख लेते हैं, तो ये कितने हो गए, 12 और 3 15 15 और 5 20 और 9 29, मतलब एक कहीं पे अपना गड़बड़ हो गया, गिन लेते हैं, ए वाले कितने हैं, 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी वाले गिन लेते हैं, 1 2 3 के बाद 4
पांच पांच सही है। ओ वाले गिन लेते हैं, कितने ओ वाले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12, ये भी सही है। ए बी वाले गिन लेते हैं, एक दो तीन, ये भी तीन सही है। फिर कहीं काम गड़बड़ हो रहा है, ये बी वाला अपन ने एक कम लिखा है, एक दो तीन चार पांच छह, बी वाले कितने हैं अपने पास, छह, यहाँ पे छह कर लेना ठीक। योग कितना आ गया इनका, योग योग बराबर कितना आ गया, 30। अब इसमें अपने को निकालना था इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक सामान्य और कौन सा रक्त समूह सबसे विरलतम रक्त समूह है। सबसे अधिक सामान्य का मतलब जो सबसे अधिक बार आया, तो ओ रक्त समूह सबसे अधिक समूह मतलब सबसे अधिक बार आया, तो ये कौन सा हो जाएगा, सामान्य रक्त समूह, अधिक सामान्य, अधिक सामान्य, अधिक सामान्य का मतलब है जो सबसे अधिक बार आया, तो ओ कितने बार आया है, 12, तो ओ लिख देते हैं, ओ समूह, ओ समूह। और फिर इसके बाद पूछा विरलतम समूह, विरलतम समूह, विरलतम का मतलब कौन सा है जो सबसे कम बार आया, तो ए बी, तो ए बी समूह लिख देंगे, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह ठीक। लिख लो इसको, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है, एक टीम में फुटबॉल, एक टीम में फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए हैं, ये गोल देख रखे हैं, इन गोलों का माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात करना है। कौन से प्रश्न देख रखे हैं अपने को, देख रखा है 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3। सबसे पहले अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, माध्य ज्ञात कर लेते हैं, माध्य एक्स बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, सभी प्रेक्षणों की संख्या, कितने प्रेक्षण है टोटल, 10 मैच है तो 10 प्रेक्षण होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक। जोड़ लो तो 3 2 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15 और 3 18 18 और 3 21 और 4 25 और 3 28 28 जोड़े 10, 28 जोड़े 10 का मतलब 2.8, ये क्या आ गया माध्य, माध्य कितना आ गया 2.8। इधर माध्यक निकाल लेते हैं, तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी आंकड़ों को जो दिए गए आंकड़े उनको आरोही क्रम में जमाना पड़ता है, तो जमा लेते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, जो भी आंकड़े दिखे हैं इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कितने बार है, 1 2 3 4 बार, 2 3 और 4, फिर 4 और 5, 4 और 5 वही 10 आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन से छूट गया सर, देखो 0 हो गया 0 हो गया, 1 1 बार आया ठीक है, अच्छा 4 2 बार है, 4 कितनी बार है, 4 2 बार और 5 ठीक है। अब निकालना है माध्यक, तो एन का मान कितना है, 10 है, मतलब ये संख्या कैसी है, सम है, तब माध्यक का कौन सा फॉर्मूला लगता है, माध्यक बराबर n/2 पे और n/2+1 दे प्रेक्षण का माध्य, तो n/2 पे मतलब 10/2 बे और 10/2+1 दे प्रेक्षण
माथ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पांचवे, दो से दस को भाग देंगे तो पांचवे, और ये पांच और एक छे, छठवे प्रेक्षण का माध्य। तो पांचवे नंबर पे कौन है, एक दो तीन चार पांच, तीन है, तीन। छठवे नंबर पे भी कौन है, तीन, दोनों का माध्य। तो छे बटे दो का मतलब कितना, तीन। तो माध्य कितना आ गया, माध्यक बराबर कितना आ गया, तीन। ठीक, माध्य निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया। और बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब जो प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार आया, तो तीन सबसे अधिक बार आया, देखे तो एक दो तीन चार बार, तीन जो है वो कितनी बार आया है, चार बार, मतलब ये प्रेक्षण जो तीन है वो सबसे अधिक बार आया, इसलिए बहुलक का मान कितना हो जाएगा, तीन। यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुलक बराबर कितना, तीन, बस लिख लो। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, एक परिवार में जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए विभिन्न मदों के अंतर्गत महीने वाले योजना बनाई गई है, इसमें अपने को क्या करना है, हाँ, तो ऊपर दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो ये क्वेश्चन देख रखा है, ये मद देख रहे हैं, ये खर्चे 1,000 रुपए में देख रखे हैं, तो अपन ने मान लिया एक मात्रक बराबर 1,000 रुपए। यहाँ पे अपन ने उनका खर्च मान लिया, जो ये वाली संख्या को अपन इधर डिनोट कर देंगे, मतलब ये उनका खर्च हो गया किसमें, 1,000 में, क्योंकि अपन ने एक मात्रक बराबर 1,000 रुपए मान लिया, मतलब इसका मान 1,000, इसका 2,000, इसका 3, 4, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000। ठीक, नीचे मद जो मद दिए हुए हैं वो आएंगे, जैसे पहला आंकड़ा लिखा हुआ है ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितना लिखा हुआ है, खर्चे 1,000 रुपए में, मतलब ये कितना लिखा हुआ है, 4,000। तो देखो 4,000 मतलब यहाँ पे आना है, यहाँ पे बनना है, तो यहाँ से एक ऐसा डंडा लेख बना दो, ये बना दिया, इसके अंदर लिख दो क्या, ग्रोसरी, ग्रोसरी, ये मद में आ गया हमारा, ये ग्रोसरी किस में आ गया, मद में आ गया। अगला लिखा हुआ है किराना, जिसपे लिखा हुआ है 5,000, तो यार यहाँ ले लो इसको, और इसके अंदर क्या लिख दो, किराना, किराना, किराना लिख दो। ठीक, आगे लिखा हुआ है बच्चों की शिक्षा पे भी वही 5,000, तो ये बना दो, डंडा लिख, यहाँ पे लिख दो शिक्षा, बच्चों की शिक्षा या शिक्षा। ठीक, आगे चलते हैं, तो लिखा हुआ है दवाइयां, दवाइयों पे 2,000, तो यहाँ तक भी डंडा का लिख बनाओ, यहाँ पे लिख दो दवाइयां, बीच में गैप होना चाहिए, इनके डंडा लिख के बीच में गैप होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है मनोरंजन पे 2,000, तो 2,000 मनोरंजन पे लगा दो, मनोरंजन, मनोरंजन पे। फिर लिखा हुआ है विविध, विविध पे 1,000, ये तो बनेगा, इसमें लिखना है क्या, विविध, विविध, और कोई बचा हुआ है क्या, बस हो गए, देखते हैं ना। ठीक, ये बन गया, तुम ये ग्रोसरी इसके अंदर की जगह यहाँ पे भी लिख सकते हो, ग्रोसरी यहाँ पे, किराना लिख सकते हो, यहाँ पे शिक्षा, यहाँ पे दवाइयां, यहाँ पे मनोरंजन, और यहाँ पे विविध, ऐसा भी लिख सकते हो अगर अंदर लिखना ना चाहो तो। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 भी अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चिताने की संख्या निम्न है, और दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। तो अपन चिताने की संख्या लिख लेते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बना लेते हैं, ये जो बनेगी अपने वो बारंबारता बंटन सारणी बनेगी। तो देखो चित्र में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 3 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 0 देख लेते हैं कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 0 कितनी बार आया, 6। 1 कितनी बार आया गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 कितनी बार आएगी इन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी बार आया, 9 बार। अब बचा कौन, 3 बचा है, तो 3 गिन लेते हैं, 3 कितनी बार आया, तो 3 आया है, 1 तो ये रहा, 1, 2, 3,
चार और ये पांच, ठीक। इनका जो योग आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ योग, योग आएगा वो 30 आना चाहिए। तो गिन लो, ये 10 और ये कितने हो गए, 15, 25 और 5, 30। ये बन गई बारंबार का बंटन सारणी। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है, एक विद्यालय के नौवीं के कक्षा नौवीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा स्वामी से प्राप्त। ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, जो प्रश्न क्रमांक 8 किया था, ये सेम वही वाला क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन को अपन यही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, तो वो वाला देख लेना सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम सरनेम यदक्षा रेंडमली लिए गए हैं और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। मतलब ये इतनी तालिका देके रखी है, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या बारंबारता, ये क्वेश्चन में देके रखा है। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए, वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। क्या बताना है, वह बारंबारता बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है, ठीक है। तो देखो, अपन ने इसके लिए बना लिया है आयतचित्र, तो अपन यहाँ पे बना लेंगे, ये वर्ग अंतराल बारंबारता बंटन छाणनी ये बने। तो देखो, पहला कॉलम ये तो क्वेश्चन में देखे रखा, ये क्वेश्चन में देखा, अब अपने को इसमें निकालना है क्या, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल अपन इसलिए निकाल रहे हैं, देखो, एक से चार, चार से आठ, छह से आठ, आठ से बारह और बारह से बीस, इनके बीच का जो गैप है ना वो अलग अलग है। जैसे इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, फिर इसमें चार है, इसमें आठ है, अलग अलग देके रखा है। इस कारण अपने को इतनी बड़ी ये कहानी करनी पड़ रही है, समायोजित बारंबारता निकालनी पड़ रही है। तो देखो, वर्ग अंतराल क्या होती है, वर्ग अंतराल होती है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को हटा देंगे, ऊपरी सीमा चार में से एक को हटा देंगे, कितना आएगा, तीन। तो ये वर्ग अंतराल कितना जाएगा, तीन। इसमें देखेंगे छह में से चार को हटाएंगे कितना आएगा, दो। आठ में से छह को हटाएंगे कितना आएगा, दो। बारह में से आठ को हटाएंगे कितना आएगा, चार। फिर 20 में से 12 को हटाएंगे कितना आएगा, 8। इनके बीच का अपने को अंतर लेना है, घटाना नहीं है, मतलब माइनस साइन से मतलब नहीं, बस बीच का कितना अंतर है, दोनों के बीच में गैप कितना है वो निकालना है, कुल मिला कितना, ठीक। आगे देखें, लिखा हुआ न्यूनतम वर्ग समायोजित बारंबारता का एक फार्मूला है, न्यूनतम वर्ग अंतराल बटे इस वर्ग का वर्ग अंतराल गुणा बारंबारता। तो ऊपर क्या लिखा हुआ, न्यूनतम वर्ग अंतराल, न्यूनतम वर्ग अंतराल मतलब ये पूरा जो अपने को देखे रखा है, इनमें न्यूनतम वर्ग अंतराल कौन सा है, तो देखो दो दिख रहा है न्यूनतम वर्ग अंतराल, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी है, मतलब सबसे कम वर्ग अंतराल कितना है, दो है। तो ऊपर कितना जाएगा, यहाँ पे तो कितना जाएगा, दो बटे इस वर्ग का वर्ग अंतराल, इस वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, तीन गुणा ये गुणा बारंबारता, बारंबारता कितनी है इसकी, छह। तो इसको जब काटेंगे तो कितना जाएगा, चार आ जाएगा। ऐसे अगला करेंगे तो न्यूनतम वर्ग अंतराल तो हमेशा ही दो रहना है, कोई दिक्कत नहीं, बटे में देखेंगे इस वर्ग का अंतराल कितना, दो गुणा तीस, तो ये कितना जाएगा, 30,000। अगला देखेंगे तो दो तो हमेशा ऊपर रहेगा, इस वर्ग का अंतराल का मान कितना, दो गुणा 44, तो ये कितना आ गया, 44,000। अगला देखेंगे दो तो हमेशा ऊपर रहेगा क्योंकि न्यूनतम वर्ग अंतराल है, नीचे जाएगा चार गुणा 16, तो ये कितना जाएगा, 8,000। अगला देखेंगे तो ऊपर तो दो रहेगा, नीचे आठ रहेगा और यहाँ पे कितना है, चार, तो इसका वर्ग अंतराल कितना जाएगा, 1,000। कोई दिक्कत, समायोजित बारंबारता अपन ने निकाल ली। ये तो अपन ने बंटन बारंबारता सारणी बना दी, जो उसने बोला था कि वह वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए अपने को अधिकतम निकालने के लिए अपने को ये सारणी बनाना थी। अब आयत चित्र, तो ये रहा आयत चित्र, आयत चित्र देखो, एक से चार वर्णमाला के अक्षरों की संख्या अपन ने कहां से ली, नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बारंबारता तो लेने, समायोजित बारंबारता ऊपर ली, तो पहला लिखा हुआ है एक से चार, मतलब इस एक से लेके कहां तक, चार तक, इस एक से चार तक समायोजित बारंबारता कितनी है इसकी, चार। देखो ये चार लगभग पांच यहाँ पे, तो चार लगभग यहाँ पे आया हुआ, ये ये चार तक ले लेते हैं, है ना। अगला लिखा हुआ है चार से छ, ये चार तो ये रहा, चार से छ, छ ये रहा, ठीक, हाँ, चार से छ में कितना है, तीस, तीस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो इसको तीस तक ले जाओ, ये तीस, और कहाँ से, चार से छ तक का मतलब इधर आना है, ये पूरा बराबर बना लेना, ये बन नहीं पा रहा है बराबर, ये लो। अगला लिखा हुआ है छह से आठ, छह तो ये रहा, आठ ये रहा, छह से आठ में कहां तक पहुंच रहा है, 44 तक, 45 ये है, मतलब 44 यहाँ पे आया होगा,
देखो 6 से 8, इसी को ऊपर ले जाओ 44 तक, ये लगभग 44 और ये 6 से 8। ठीक, अगला क्या देखो है, 8 से 12 में कितने, 8, 8 से 12, ये 8 ये रहा, 12 ये रहा, में 8, देखो 10 यहाँ पे मतलब 8 यहाँ कहीं पे होगा, ले जाए थोड़ा 10 यहीं कहीं पे 8 होगा। ठीक, इसके बाद है 12 से 20, ये 12 और ये 20, 12 से 20 में कितना, 1, 0 यहाँ है मतलब ये यहीं कहीं होगा बस, ये ज्यादा से ये। ठीक, ये एक यहीं कहीं होगा, 0 से थोड़ा ऊपर, ये बन गए अपने आयत चित्र बन गया। उसने क्वेश्चन में फिर बोला है कि वह वर्ग अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। देखो अधिकतम संख्या में कुल नाम कहाँ रहे, 44, तो 6 से 8 वह वर्ग अंतराल है जिसमें अधिकतम संख्या में मतलब जो है वो कुल नाम है, तो इसका आंसर कितना जाएगा 44, जो 6 से 8 वाले में है, तो अधिकतम कुल नाम वर्ग अंतराल ज्ञात करना था, तो वर्ग अंतराल कौन सा जाएगा 6 से 8 वाले। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ, 32। 33 की अगर अपन बात करें तो 33 अपन ने क्वेश्चन नंबर जो किया था पहले, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, वो ही सेम टू सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी अपन कर चुके हैं, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 किया था वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 वाला भी। ठीक, तो 9 वाला देख लेना तो वो 34 वाला आ जाएगा, 10 वाला देख लेना तो वो 33 वाला जाएगा। अब अपन करेंगे 35, बहुभुज वाला।